गणेश जी 11 दिनों तक अपने भक्तों के बीच कई स्वरूपों में विराजमान होते हैं और उनके उन्हीं सुंदर स्वरूप के दर्शन कराने के लिए देश टीवी की टीम पहुंची है वाल्मीकि वार्ड। देखिए यहां के गणपति जी के स्वरूप को। और आज पहुंची है अवंती बिहार के वाल्मीकि वार्ड में। देखिए गणेश जी की इतनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है जिसको देख के लोगों की नज़रें यहीं पे रुक जाएगी। इतनी सुंदर है ये मूर्ति और जानते हैं यहाँ के आयोजन समिति के लोगों से कि ये कब से इसका स्थापना कर रहे हैं गणेश जी की, आइए जानते हैं। इस सोसाइटी को बने लगभग 12 साल हो गया है और 10 सालों से निरंतर गणेश जी की स्थापना हो रही है और यहाँ के छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ता हैं जैसे गौरव है, भीषण है, ये सारे बच्चे मिल करके और इनकी पूरी समिति मिल करके इस आयोजन को साकार करती है। बच्चे काफ़ी अच्छे मनोरंजन कार्यक्रम करवाते हैं बच्चों के लिए, जैसे फैंसी ड्रेस है, डांस है और क्रेयॉन वैक्स कलर से पेंटिंग है, ड्राइंग है और इस तरीके से, और महिलाएं समिति हैं जो अपने भजन को प्रस्तुत करती हैं, डांस कॉम्पिटिशन होता है मैम, और रोज़ 9 से 10 बजे तक सभी पूरी सोसाइटी वाले मिल करके डांस यहाँ प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे महिलाएं अपनी प्रस्तुति देती है और आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर ये अपना भजन प्रस्तुत कर रही है। सारे बच्चे यहाँ पे खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं और बच्चों के लिए यहाँ पे पेड़ जाता है। ग्यारह दिनों तक गणेश जी यहाँ पे विराजमान रहते हैं और क्या क्या इनके द्वारा किया जाता है जानते हैं इनसे कि मैडम आप बताइए कि 11 दिनों तक गणपति जी के लिए आप लोग क्या स्पेशल करते हैं। स्पेशल सुबह से उनकी पूजा आरती स्टार्ट हो जाती है, सबके घरों से जो बन पड़ता है वो प्रसाद लाते हैं और शाम के समय भजन कीर्तन, बच्चों का प्रोग्राम अलग होता है, कल मटका प्रोग्राम हुआ और भी कई प्रोग्राम यहाँ किए जाते हैं। अभी 11 दिन तक इनके विसर्जन जब तक नहीं हो जाते अलग अलग प्रकार के यहाँ पर प्रोग्राम और भोग लगाया जाएगा, बीच में अभी 1-2 दिन के बाद भंडारा का आयोजन किया जाएगा। जैसे जानते हैं कि इनके हिसाब से गणेश पूजा में क्या क्या खास किया जाता है, गणेश पूजा में आपके क्या क्या स्पेशल किया जाता है। गणेश पूजा हुई, सभी देवी देवताओं की पूजा हुई, देवी देवता कुछ भी स्पेशल नहीं मांगते हैं, स्पेशल होता है तो एक श्रद्धा होती है, ये सब इंसान के बनाए हुए हैं कि हमें ये रखना है, इससे गणेश जी खुश होंगे, ये नहीं रखेंगे तो इससे नाराज होंगे, ये मैसेज आगे बढ़ाओ तो गणेश जी खुश होंगे, ये मैसेज नहीं बढ़ाया तो आपका अपशगुन होगा, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ श्रद्धा के पुष्प चढ़ाओ उसी से सब होता है, बाकी जो थोड़ा बहुत है फॉर्मेलिटी वो करनी पड़ती है, भगवान का तिलक करना नियम होना चाहिए, आरती 2 टाइम करनी है तो करनी है, थोड़ा बहुत भजन कीर्तन तो माहौल क्या है धार्मिक हो जाता है, पावन हो जाता है। अभी हमने समिति की महिलाओं से बात की और देखा कि उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया, आप देखते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं ये बहुत छोटे और कैसे इतने अच्छे से पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, इनसे खुद जानते हैं कि ये कैसे करते हैं ये सब। आप लोग की उम्र बहुत कम है लेकिन आप लोग इतनी बड़ी मूर्ति की जिम्मेदारी लेते कैसे करते हैं ये सब? बस ये हो जाता है, अभी हम लोग 6वां साल है ये, बस भगवान की कृपा है और बड़ों का सपोर्ट है तो उनसे हम कर लेते हैं जी। आप बताइए आपको कितना सहयोग देते हैं समिति से, आप बहुत ज़्यादा कम एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों की, तो आपको कैसा फील होता है? हमें अच्छा फील होता है, लगभग हम अपने से खुद से पैसा मिलाते हैं और कुछ कुछ है 2-4 बड़े बड़े पर्सन है जिनसे हम बड़े लगभग 500,000 इस टाइप से। आपका कितना सहयोग होता है इस समिति में? हो जाता है लगभग 50-60 हज़ार तक और हम लोग अपने से भी करते हैं कुछ।
तो आज हम थे वाल्मीकि वार्ड में और देखा कि कितने अच्छे तरीके से लोग यहाँ गणेश पूजा को मनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है लोगों को ये देखना, आप माहौल देख के ही इस चीज़ का देख सकते हैं। कैमरामैन एस गणेश के साथ लीला साहू।